हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, बाकी चैनल पे इसका बेसिक काफ़ी करा रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। जो भी ज़रूरत होगी मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता रहूँगा। ठीक है भाई, देखना यहाँ से एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है या इनकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है हमने। ठीक है भाई, वी हैव साइन इनवर्स -1/2। ठीक है बच्चों, ये करना है हमने क्वेश्चन। तो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है आपका, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या साइन इनवर्स -x क्या होता है? -sin inverse x। ठीक है भाई, क्लियर? नहीं कहोगे तो मैं सारे एक साथ अभी यहाँ लिखवा भी दूंगा। ठीक है भाई, पहले मैं इस सवाल को करा देता हूँ, फिर ये बातें ना, ये वाली बातें मैं एक बार लिखवा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो भाई आप मुझे इतना बता दो, 1/2 कितने डिग्री एंगल पर मिलता है साइन के, साइन के अंदर जो एंगल लगाएं, साइन के साथ एंगल लगाएं, तो ये भाई आपका 30 डिग्री, π/6। क्योंकि बच्चों पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, और π/6 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 डिग्री एंगल मिलेगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो बच्चों यहाँ से देखो, -sin inverse यहाँ आएगा sin π/6। तो बच्चों एक रिजल्ट और होता है, sin inverse sin x क्या आ जाता है, x। ये रिजल्ट लगा के हमें ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। माइनस की जगह माइनस रहेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, π/6। और जो इसकी जो रेंज होती है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो क्या होती है, -π/2 से π/2। ठीक है, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है, रेंज जो होती है -π/2 से π/2 होती है। तो ये माइनस का 30 डिग्री, -90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप कह दोगे दिस गिव्स रेंज कह दो या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज कितनी आ गई, -π/6। मैं अभी आपको इन फॉर्मूलाज के बारे में बोल रहा था कि ये फॉर्मूलाज में मान लीजिए मैं आपको करवा दूं। ठीक है भाई, ये कौन से फॉर्मूलाज हैं, देखिए क्या हैं, यहाँ कुछ लिख देता हूँ। नंबर 1, क्या साइन इनवर्स -x क्या आ गया, -sin inverse x। ठीक है, अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करें, cos inverse -x, तो बच्चे क्या आएगा, -cos inverse x + π। ठीक है भाई, अच्छा तीसरे फॉर्मूले की बात करूँ, tan inverse x, ठीक है भाई, वो भी माइनस का x है, तो क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, tan inverse x। नंबर 4 पर बात करें हम, cosecant inverse -x की, ठीक है, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, cosecant inverse x माइनस बाहर आ जाएगा। नंबर 5 में बात करूँ, secant inverse x की, माइनस वाला x, ठीक है, तो इसमें -12 आएगा, secant inverse x + का क्या आ जाएगा, पाई। और भाई नंबर 6 पर है, cot inverse -x, ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या आएगा, -cot inverse x + क्या आ जाएगा, पाई। तो देखिए ये तीन फॉर्मूले जो है ना, ये आपके माइनस को तो बाहर लेके आ रहे हैं, परंतु इनमें पाई प्लस हो रहा है, तो ये तीन याद रखने योग्य हैं, बाकी तो याद हो ही जाएंगे, क्योंकि ये माइनस एक्स है तो ये सीधा बाहर आ रहा है। ठीक है भाई, अच्छा कुछ और बातें हैं, जैसे मैंने ये बताया था, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, क्या आ गया, नंबर 1, sin inverse sin x = x, नंबर 2, cos inverse cos x = x, नंबर 3, tan inverse
टेन एक्स इक्वल टू एक्स, नंबर चार कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स इक्वल टू एक्स, नंबर पाँच सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स इक्वल टू एक्स, नंबर छः कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है भाई, ये रिजल्ट्स हैं। तो आपको इस हिसाब से देखा जाए तो आपको पहला क्वेश्चन तो अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है, वी हैव कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। देखिए भाई इस सवाल के जैसे मैं और भी सवाल आपको दे दूँगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये आपको करने पड़ेंगे, तो यहाँ से ये सवाल आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे, कोस इनवर्स। अब यहाँ पर आप सोचिए कि रूट थ्री बाई टू कोस में हमें कहाँ मिल सकता है। कोस 60 तो 1/2 होता है, कोस 30 डिग्री के ऊपर ये मान मिलेगा। कोस 30 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 6। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने बताया था पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री पे मान मिलेगा ये कोस पाई बाई 6। ठीक है भाई, तो और एक रिजल्ट क्या है आपका, रिजल्ट है कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है भाई, और इसकी जो रेंज थी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बताई गई थी आपको, बेसिक देख सकते हो आप मेरे चैनल पर पढ़ा है, पहले 0 से पाई, ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हो रेंज या दिस गिव्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू इज कितनी होगी, पाई बाई 6। ठीक है भाई, क्लियर। इसके ऊपर आप एच डब्ल्यू कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एच डब्ल्यू। मैं आपको क्वेश्चंस आपको अगर दे दूं तो पहला क्वेश्चन करेंगे आप कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे कॉस इनवर्स 1। ठीक है भाई, क्लियर। ये क्वेश्चंस आप इसके ऊपर कर लेंगे, और तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे आप कॉस इनवर्स 1/√2 कर लेंगे। ठीक है भाई, ये तीन क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन के बेस पे कर लेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये क्या है, एच डब्ल्यू के लिए जो दिए मैंने क्या दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है भाई, एक्सरसाइज का आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 NCERT बुक। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वी हैव कोसिकेंट इनवर्स टू दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से बच्चों कोसिकेंट इनवर्स, आप सोचिए यहाँ पर टू कहाँ मिलता होगा, साइन में सोचिए 1/2 कहाँ मिलता है, तो कोसिकेंट पता चल जाएगा। साइन में 1/2 30 डिग्री पर मिलता है, तो यहाँ भी कोसिकेंट 30 डिग्री कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे, कोसिकेंट 30 डिग्री मतलब कोसिकेंट पाई बाई 6 लगा देंगे। ठीक है भाई, क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, कोसिकेंट एक्स क्या मिल जाएगा आपको, x मिलेगा। तो यहाँ पर ये आंसर क्या मिल जाएगा आपको, पाई बाई
6 मिल जाएगा इस रिजल्ट से, इस रिजल्ट से आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आप क्या कहते हो कि दिस गिव्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स टू इज पाई बाई 6। ठीक है भाई, अब देखो इस का अगर मैं तुम्हें एच डब्ल्यू दूँ, इसके ऊपर बेस और कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आप करोगे वो करोगे आप कोसेकेंट इनवर्स 2/√3। ठीक है, कोसेकेंट इनवर्स 2/√3 और आप क्या करोगे कोसेकेंट इनवर्स 1। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप और कर लोगे ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, और आप देखो ना इसका ये रेंज के अंदर जा रहा है, इसकी रेंज क्या होती है, रेंज होती है -π/2 से π/2, परंतु 0° के एंगल को निकाल देते क्योंकि कोसेकेंट 0 जो है ना, कोसेकेंट 0 इन्फिनिटी देता है हमें, इस वजह से 0° का एंगल इस रेंज से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है भाई, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके 4 पर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर फोर करा रहे हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, tan inverse -√3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वी हैव tan inverse -√3। ठीक है, अब वही रिजल्ट लगाएंगे हम, कौन सा वाला, tan inverse -x क्या आएगा, -tan inverse x। तो प्यारे बच्चों ये कितना आएगा, माइनस बाहर tan inverse √3। अब सोचना ये है कि भाई √3 tan में कितने एंगल पर मिलता है, tan 30° पर, मतलब सॉरी 60° पर। ठीक है भाई, tan 60° पर मिलता है, क्लियर, कितने पर मिलता है 60° पर। कि √3 tan में कहाँ मिलता है, tan 60° पर, मतलब π/3 पर। ठीक है भाई, क्लियर, तो यहाँ वैल्यू लगाइए इस √3 की, माइनस की जगह माइनस, tan inverse √3 का मान कितना हो जाएगा, tan π/3। अब रिजल्ट कौन सा लगाओगे बच्चों, tan inverse tan x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो बच्चों क्या रिजल्ट आया आपका, माइनस तो बाहर रहेगा ही, ये आंसर आया π/3 और ये इसकी रेंज में जाता है या प्रिंसिपल वैल्यू में जाता है, -π/2 से π/2। ठीक है भाई, दिस गिव्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan inverse -√3 इज कितनी आ जाएगी, -π/3। ठीक है, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या HW कहते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन आप करोगे tan inverse -1 करोगे। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन नंबर छठा भी है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है, किसका, एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्लियर, और आपने क्या करना है, नंबर 2 पर tan inverse -1/√3 करना है। ठीक है भाई, क्लियर, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, समझ गए। अच्छा, आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, tan inverse
वन वाला भी कर लेंगे, टेन इनवर्स रूट थ्री वाला भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा नंबर पाँच, टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री वाला भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, ठीक है भाई, करने चाहिए आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ताकि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है भाई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर पाँच पे आते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर आगे दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया है, देखिए वी हैव कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू, अब मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको, क्या बताया था कि भाई कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये माइनस कोस इनवर्स एक्स तो होता ही है, परंतु इसमें पाई भी जुड़ जाता है, तो क्या आएगा, माइनस कोस इनवर्स वन बाई टू होगा, परंतु इसमें पाई भी जुड़ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से एक बात देखो, कोस में वन बाई टू कहाँ होता है, 60 डिग्री पर, कोस पाई बाई थ्री पर, ठीक है भाई। तो बच्चों यहाँ से माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई थ्री प्लस पाई, ये रिजल्ट बताइए मुझे, कोस इनवर्स कोस एक्स क्या होता है भाई, एक्स तो एक्स का काम पाई बाई थ्री कर रहा है, तो प्यारे बच्चों ये माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा प्लस पाई। जैसे ही बच्चों हम एलसीएम लेंगे हमें थ्री मिलेगा, माइनस पाई प्लस थ्री पाई, तो बच्चों क्या मिल जाएगा, टू पाई बाई थ्री, और ये इसकी रेंज में जा रहा है, जीरो से 180 के बीच में, ये 120 डिग्री है और ये जीरो से 180 के बीच में है, मतलब इसकी रेंज में है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, ठीक है। दिस गिव्स रेंज कह दो या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज कितना आएगा, टू पाई बाई थ्री। बच्चों एच डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं, एच डब्ल्यू आपको करना पड़ेगा, एच डब्ल्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, नहीं हो तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, हम आपको करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपने एच डब्ल्यू करना है इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, क्या करना है, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन करना है आपने, कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू, ठीक है भाई, क्लियर। और तीसरा क्वेश्चन करना है कॉस इनवर्स आपका माइनस वन, ठीक है भाई, क्लियर, समझ गए। ये क्वेश्चन करने हैं कॉस इनवर्स माइनस वन, ये क्वेश्चन आप इसके ऊपर बेस्ड आप कर लोगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही काम करवाएंगे, आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय प्यारे बच्चों।